ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିବା ଅପରାଧ। ରାମନବମୀ ପାଳନ କରିବା ନିଷେଧ। ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ କଂଗ୍ରେସର ସନାତନ ବିରୋଧୀ ମୁଖା ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଦେଶରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଡ଼ିବା ପାପ, ନିଜ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମାନିବା ବି ପାପ। ସେଥିପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ କଂଗ୍ରେସର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତାକୁ ମୋଦିଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରହାର। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ସେହି ଦଳ ଯିଏ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବକୁ ନିଷେଧ କରିଛି। ଏହାର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ବାସିନ୍ଦା। କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଦିନରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ହଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜସ୍ଥାନରେ ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ପୁରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମେ ବର୍ଣ୍ଣା ପହେଲେ और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा कोई किसी को मिले तो पहले मूल से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान भली राज्य रे जेउठारे लोक माने राम राम जप करुछंती, कांग्रेस सेटरे राम नवमी को पालन करिछि बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। एही समय रे मोदी कर्णाटक रो जने दुकानी को प्रसंग मध्य उपस्थापन करथिले। कर्णाटक रे जने दुकानी दुकान मध्य रे हनुमान चालीसा पढ़िबारु तांकु पाड़े लहुलुआन करा जाइथिला। कांग्रेस शासन अधीन हनुमान चालीसा पढ़ा भी अपराध। मोदी प्रहार पर विरोधी शिविर में हईचई सृष्टि शत पदा को आसवा भयर चली आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी। तबे कांग्रेस एवं विरोधी मोदी कटु सत्य हजम होता बेले निर्वाचन राली रे गतकाली उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर आज राजस्थान एवं पुणी छत्तीसगढ़ में माराथन प्रचार भितर विरोधी बर्षि प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।